सड़क का अगर कोई निजी जमीन मिला है उसको तो मिलना ही चाहिए, उसको देख लीजिए देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। महीने के हर सोमवार की तरह आज भी जनता दरबार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से उनके आवासीय कार्यालय में हर सोमवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जहां वे प्रत्येक फरियादियों की समस्या को सुनते हैं और ऑन द स्पॉट उन्हें हल करने की अपनी पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। बता दें कि आज के जनता दरबार में फरियादियों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक फरियादी पहुंचता है अपनी समस्या को सुनाने के लिए, जहां वो कहता है कि उसकी निजी जमीन पर सरकार के तरफ से सड़क बना ली गई लेकिन उसे मुआवजा नहीं मिला। उसने दर दर की ठोकरें खाई, उसने सभी जगह जाकर अपनी बात रखी पर इसका कुछ हल नहीं मिल सका। फरियादी इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करता है कि उसे जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत निर्णय लिया और उस फरियादी का फैसला ऑन द स्पॉट भी कर दिया। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने उस फरियादी को लेकर और कैसे इस समस्या का तुरंत हल किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, आइए दिखाते हैं आपको। उसमें जांच में पाया गया है लेकिन ये ग्रामीण विभाग और जिला लोक शिकायत विरोधाभास बयान दे के हमें मुआवजा नहीं दे रहा सर। लोक शिकायत निवारण देखा है ना? जी, लोक शिकायत निवारण फाउंडेशन जांच में पाया है सर, हमारा निजी जमीन गया हुआ है लेकिन बोलता है इसमें मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। ये लोक शिकायत का ये निर्णय सर, इसमें कहते हैं कि पता कर लेते सर क्या है सर। गांव में जो सड़क लेते हैं तो लैंड बोलता ही है सर। क्या ग्रामीण कार्य वाले ऐसा क्यों? सड़क का अगर कोई निजी जमीन है तो उसको तो मिलना ही चाहिए, उसको देख लीजिए ग्रामीण कार्य वाले को लिख रही अगर अभी भेजा है वो आदमी का अपने जमीन पर सड़क बना है, समझ गए ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसको लेकिन कंपनसेशन नहीं मिला